हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑल्टो के 10 लॉन्च होने के बाद मारुति के पास इस समय चार ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें सेम इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑल्टो के 10, एस्प्रेसो, वैगनार और एक है इनकी सेलेरियो। चार ऐसी गाड़ियां हैं जिनके अंदर आपको 1000 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है और लगभग सेम ही आपको पावर फिगर्स देखने को मिल जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं K10 वर्सेज एस्प्रेसो का। दोनों के अंदर ही आपको 1000 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। सामने आप जो वेरिएंट देख रहे हैं दोनों ही गाड़ियों का VXI वेरिएंट है। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ऑल्टो K10 का ऑन रोड प्राइस है 5,56,000 रुपये, वहीं एस्प्रेसो का ऑन रोड प्राइस है 5,74,000 रुपये। दोनों गाड़ियों के बीच में लगभग 18,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी कम है। जब हम कोई भी गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो इतना बजट तो भाई हम लेके ही जाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में बात करेंगे कि दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए जहाँ पे इतना कम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें दोनों गाड़ियों के लुक की, तो ऑल्टो K10 के अंदर जहाँ पे आपको एक स्लिक डिज़ाइन मिलता है, वहीं एस्प्रेसो के अंदर आपको एक मैसिव एग्रेसिव सा लुक देखने को मिल जाता है। एस्प्रेसो का जो लुक है ना, वो एक मिनी SUV का सा यहाँ पे मिल जाता है। ओवरऑल दोनों गाड़ियों का लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन एस्प्रेसो का जो फ्रंट लुक है ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर सा फील होती है। बात करें दोनों गाड़ियों के विड्थ की, तो ऑल्टो K10 के अंदर 1790 mm की चौड़ाई देखने को मिल जाती है, वहीं एस्प्रेसो के अंदर 1520 mm की चौड़ाई देखने को मिलती है। लगभग 30 mm चौड़ी है एस्प्रेसो ऑल्टो K10 से, तो यहाँ पे भी एस्प्रेसो बाजी मार ले जाती। बात करें फीचर्स के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों का VXI वेरिएंट आप देख रहे हैं। अगर बात करें ऑल्टो K10 के हेडलैम्प यूनिट की, तो यहाँ पे हेलोजन में हेडलैम्प यूनिट है, वहीं इंडिकेटर भी यहाँ पे हेलोजन में ही मिल जाता है। एस्प्रेसो की बात करें तो एस्प्रेसो के अंदर भी हेलोजन में ही हेडलैम्प यूनिट है एंड यहाँ पे भी इंडिकेटर आपको हेलोजन में ही मिलता है। बात करें ग्रिल के बारे में, तो एस्प्रेसो के अंदर कुछ इस प्रकार की आपको ग्रिल मिल जाती है, सामने सुजुकी का लोगो है। वहीं बात करें ऑल्टो K10 में ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी चौड़ी ग्रिल देखने को मिल जाती है। और दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ऑल्टो K10 में आपको एक सिलिक सा डिज़ाइन मिलता है, वहीं एस्प्रेसो का जो फ्रंट लुक है ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर सा फील हो रहा है। ऑल्टो K10 के अंदर जो फ्रंट बम्पर है ये बॉडी कलर्ड मिल जाता है, लेकिन एस्प्रेसो का जो बम्पर है ये आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है, तो ये एक चेंज दोनों वेरियंट में आपको देखने को मिलेगा। बात करें ऑल्टो K10 की लेंथ ही, तो ऑल्टो K10 के अंदर आपको 3530 mm की लेंथ मिल जाती है, वहीं एस्प्रेसो के अंदर आपको 3565 mm की लेंथ मिलती है, तो लगभग 35 mm लंबी है एस्प्रेसो ऑल्टो K10 से, तो यहाँ पे भी एस्प्रेसो बाजी मार ले जाती है। ओवरऑल एस्प्रेसो के अंदर जो डायमेंशन है ना, वो आपको ऑल्टो से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। बात करें टायर सेक्शन के बारे में, तो ऑल्टो K10 के अंदर आपको 13 इंच का टायर मिल जाता है, जिसका प्रोफाइल साइज है 145/80R13। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में स्टील रिम मिल जाती है, आगे डिस्क, वहीं रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। बात करें लेकिन एस्प्रेसो के अंदर आपको 14 इंच के टायर मिल जाते हैं, जिसका प्रोफाइल साइज है 165/70R14। तो 1 इंच बड़ा टायर आपको यहाँ पे एस्प्रेसो में देखने को मिल जाता है, वहीं ऑल्टो K10 में आपको 13 इंच का टायर मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में व्हील कवर आ जाते हैं, आगे डिस्क ब्रेक, वहीं रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। बात करें ORVM के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको ब्लैक फिनिश में ORVM मिल जाता है, लेकिन ऑल्टो K10 के अंदर आपको जो ये ORVM है इसके अंदर आपको डूडल मिल जाता है, आप अंदर से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एस्प्रेसो में आपको सिंपल सा जो है वो ORVM देखने को मिलता है। और दोनों ही गाड़ियों में फेंडर पे इंडिकेटर की यूनिट देखने को मिल जाती है। बात करें हाइट की, तो ऑल्टो K10 के अंदर आपको मिल जाती है 1520 mm की हाइट, वहीं एस्प्रेसो के अंदर आपको 1567 mm की हाइट मिलती है, तो लगभग 35 से लेकर 40 mm ऊंची है एस्प्रेसो ऑल्टो K10 से। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, डायमेंशन में एस्प्रेसो बाजी मार ली जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे वाले पार्ट में, ये देखिए भाई। बात करें दोनों गाड़ियों के रियर लुक की, तो एस्प्रेसो के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का रियर लुक मिल जाता है और ऑल्टो K10 के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का रियर लुक मिलता है। बात करें रियर लुक की, तो भाई रियर से भी मुझे एस्प्रेसो काफ़ी बढ़िया लगती है, क्योंकि एस्प्रेसो
ऑल्टो के 10 से काफ़ी ऊंची है। बात करें फ्यूल टैंक के बारे में तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 27 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, तो यहाँ तो आपको सेम ही मिलता है। बात करें फीचर्स के बारे में तो एस्प्रेसो के अंदर आपको हैलोजन में ही टेलेम यूनिट मिल जाती है, इंडिकेटर की प्लेसमेंट और रिवर्स लाइट है। पीछे सुजुकी का लोगो है, एस्प्रेसो की बैजिंग है और रियर बम्पर भी यहाँ पे ब्लैक फिनिश में मिलता है। 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर के, रिफ्लेक्टर जो कि आपको हॉरिजॉन्टल शेप में मिलता है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप है और कोई भी यहाँ पे आपको स्पॉइलर वगैरह नहीं मिलता। बात करें ऑल्टो K10 के रियर लुक की, इसका लुक भी काफ़ी सही लग रहा है। वहीं टेल लैंप यूनिट यहाँ पे आपको हेलोजन में ही मिलती है, इंडिकेटर की यूनिट है और आपको रिवर्स लाइट मिल जाती है। छोटा सा स्पॉइलर है, स्पॉइलर के इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। ऑल्टो K10 की बैजिंग मिल जाती है और पीछे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर के। अगर आपको बूट को अनलॉक करना है तो दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है वो की लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ ऐसा लुक है दोनों ही गाड़ियों में। दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे दोनों गाड़ियों की चाबी के बारे में। तो ऑल्टो K10 में आपको कुछ इस प्रकार की की देखने को मिल जाती है, लेकिन एस्प्रेसो में आपको रिमोट की मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक की रिमोट के साथ मिल जाती है, दूसरी की यहाँ पे आपको मैनुअली मिलती है, लेकिन ऑल्टो K10 के अंदर आपको मैनुअल की मिलती है, यहाँ पे आपको कोई भी रिमोट की नहीं मिलती। अगर आप इसका VXI प्लस वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे आपको एक रिमोट की मिल जाती है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है। अब करते हैं बूट अनलॉक। भाई धूप बहुत ही ज़्यादा है और इस एरिया में जो है स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो मुझे इसी स्पेस के अंदर वीडियो बनानी पड़ रही है। बात करें बूट स्पेस के बारे में तो ये है एस्प्रेसो का बूट स्पेस, क्या बात है। बात करें बूट स्पेस की तो ऑल्टो K10 के अंदर 214 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, वहीं एस्प्रेसो के अंदर 240 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑल्टो K10 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस जो है वो ऑल्टो K10 से फार बेटर मिल जाता है। काफ़ी सारा लगेज जो है वो यहाँ पे आपका आ जाता है। नीचे स्पेयर व्हील मिलेगा, 14 इंच का है स्टील रिम के साथ। वहीं ऑल्टो K10 के अंदर आपको 13 इंच का स्पेयर व्हील मिलेगा स्टील रिम के साथ। प्रॉपर इंसुलेशन आपको दोनों गाड़ियों के डोर पे देखने को मिलेगा। वहीं दोनों गाड़ियों में आपको रियर में कोई भी पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। मात्र 18,000 रुपये का डिफरेंस है एस्प्रेसो और ऑल्टो K10 के अंदर। ये है ऑल्टो K10 का डैशबोर्ड। ब्लैक फिनिश में डैशबोर्ड मिल जाता है, लेकिन डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाती है। डोर ओपनिंग वाइड है, एंट्री एग्जिट करने में दिक्कत नहीं आती। अगर बात करें डोर ट्रिम के बारे में तो यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, बोतल होल्डर मिल जाता है, पावर विंडो का बटन आपको डैशबोर्ड में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में पावर विंडो का बटन आपको डैशबोर्ड में ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको डूडल मिल जाता है ORVM एडजस्ट करने के लिए। बात करें सीट के बारे में तो यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्सी मिल जाती है। सीट पे आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता, बट हाँ रिक्लाइन एडजस्टमेंट ज़रूर मिल जाता है। आगे और पीछे यहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट ही मिलते हैं। बात करें डैशबोर्ड के बारे में तो डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। स्टीयरिंग की बात करें तो राउंड शेप में यहाँ पे स्टीयरिंग मिल जाती है, स्टीयरिंग पे सुजुकी का लोगो है। 2 एयरबैग आपको फ्रंट में ही देखने को मिलेंगे। बात करें गाड़ी के क्लस्टर के बारे में तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर जो कि आपको डिजिटल मिलता है, बाकी RPM मीटर वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलता। बात करें गाड़ी के सेंट्रल कंसोल के बारे में तो यहाँ पे आपको डबल टिन का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और यहाँ पे आपको टेलीफोनिक बटन्स मिल जाएंगे। बाहर धूप इतनी ज़्यादा है कि मेरा जो फ़ोन है वो ओवरहीट हो गया, इसलिए मुझे एस्प्रेसो के अंदर आके बैठना पड़ा, क्योंकि ऑल्टो के अंदर ज़्यादा फ्यूल नहीं था। बात कर लेते हैं एस्प्रेसो के डैशबोर्ड के बारे में तो डेफिनेटली एस्प्रेसो का जो डैशबोर्ड है ये भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। एस्प्रेसो के अंदर भी आपको ब्लैक फिनिश में डैशबोर्ड मिलेगा, लेकिन डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाती है। बात करें स्टीयरिंग के बारे में तो एस्प्रेसो के अंदर आपको कुछ इस प्रकार की स्टीयरिंग मिलती है, राउंड शेप के अंदर है। वहीं एस्प्रेसो के अंदर भी कोई भी आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलता स्टीयरिंग में। स्ट्रोक्स मिल जाते हैं, वाइपर के स्ट्रोक्स हैं एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट के स्ट्रोक्स मिल जाते हैं। ऑल्टो K10 के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सामने मिलता है स्टीयरिंग के, लेकिन एस्प्रेसो के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। हालांकि ऑल्टो K10 के जैसा ही यहाँ पे आपको क्लस्टर मिल जाता है, स्पीडोमीटर जो कि आपको डिजिटल में मिलता है, कोई भी RPM मीटर यहाँ पे नहीं मिलता। बीच में छोटी सी MID मिल जाती है जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। बात करें गाड़ी के सेंट्रल कंसोल के बारे में तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है एस्प्रेसो के सेंट्रल कंसोल का। यहाँ पे भी आपको डबल डिन का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको टेलीफोनिक बटन्स मिल जाते हैं। सेम ऑल्टो K10 के अंदर जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, ऐसा ही इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको एस्प्रेसो के अंदर
देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक राउंडिश सा लुक देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल एसी मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। बात करें ग्लोव बॉक्स के बारे में तो डिसेंट साइज का यहाँ पे ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्टोरेज है, मैनुअल IRVM है, यहाँ पे आपको सिंपल ही मिलता है एंड को पैसेंजर साइड में आपको सिंपल सनशेड मिलता है। बात करें डैशबोर्ड की तो डेफिनेटली एस्प्रेसो को जो डैशबोर्ड है ये ऑल्टो K10 से काफी बेटर मुझे फील हो रहा है। बात करें ट्रांसमिशन के बारे में तो एस्प्रेसो के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। गियर काफी बड़ा सा यहाँ पे मिलता है, सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलता। सीट की जो पोजीशनिंग है ना ये काफी ऊंची है, इसलिए जब आप एस्प्रेसो में बैठोगे तो आपको लगेगा कि भाई आप किसी ऊंची गाड़ी में बैठे हो, लेकिन वहीं अगर आप ऑल्टो में बैठोगे तो ऑल्टो आपको काफी नीचे लगेगी। अब चलते हैं ऑल्टो K10 की ओर, जो पार्ट छूट गया था वो आपको मैं बता देता हूँ। डेफिनेटली ऑल्टो K10 का जो डैशबोर्ड ये भी काफी बढ़िया मिल जाता है। जो फीचर आपको एस्प्रेसो के अंदर मिलते हैं सेम फीचर आपको ऑल्टो K10 के VXI वेरिएंट में मिलते हैं। कोई भी फीचर जो है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा इंटीरियर में, जो भी आपको मिलता है जैसे डबल डिन का इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्रंट विंडो के बटन, मैनुअल AC, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, वहीं ऑल्टो K10 के अंदर भी आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। चलते हैं गाड़ी की रियर सीट में, तो ये है ऑल्टो K10 की रियर सीट। डोर ओपनिंग वाइड है, एंटी एग्जिट करने में दिक्कत नहीं आने वाली। रियर डोर में आपको कोई भी स्पीकर नहीं मिलता, वहीं यहाँ पे आपको डुडल मिल जाता है विंडो को अप डाउन करने का। बात करें सीट के बारे में तो एज यूजुअल पीछे भी फैब्रिक अपहोल्सी मिल जाती है। सीट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, अंडर थाई सपोर्ट भी इन सीट का काफ़ी बढ़िया होने वाला है। वहीं आगे पीछे आपको फिक्स हेडरेस मिलता है, रियर में कोई भी आपको एसी वेंट नहीं मिलता। दो बंदे आराम से बैठ जाएंगे क्योंकि बीच में हम्प है, 3 बंदे जब बैठेंगे तो भाई यहाँ पे सोचना पड़ेगा, अगर आप हेल्दी पर्सन है तो पीछे 3 बंदे बैठने में मुश्किल होने वाली है। वहीं सीट की क्वालिटी काफी सही है। अब चलते हैं एस्प्रेसो के रियर सीट पे, तो ये है एस्प्रेसो की रियर सीट। बात करें डोर ट्रिम के बारे में तो सेम ऑल्टो K10 का जैसा यहाँ पे डोर मिल जाता है, डोर ओपनिंग वाइड है, एंटी एग्जिट करने में दिक्कत नहीं आने वाली। डोर के ऊपर आपको डूडल मिल जाता है विंडो को अप डाउन करने का, वहीं कोई भी स्पीकर यहाँ पे आपको नहीं मिलता। बात करें सीट के बारे में तो एस्प्रेसो के अंदर भी आपको फैब्रिक अपहोल्सी मिल जाती है, आगे पीछे फिक्स हेडरेस मिलते हैं, सीट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, वहीं यहाँ पे भी आपको कोई एसी वेंट नहीं मिलता। बात करें सीटिंग कैपेसिटी की तो ऑल्टो K10 से एस्प्रेसो लगभग 35 mm चौड़ी है, तो एस्प्रेसो में आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, वहीं ऑल्टो K10 में आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। हालांकि पीछे वाली सीट पे ऑल्टो K10 में भी 3 बंदे बैठ सकते हैं और एस्प्रेसो में भी 3 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन जब एस्प्रेसो में 3 बंदे बैठेंगे वो थोड़े से आराम से बैठ जाएंगे, वहीं ऑल्टो K10 में जब 3 बंदे बैठेंगे तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। तो एस्प्रेसो के अंदर जो डायमेंशन है वो ऑल्टो K10 से ज़्यादा मिल जाता है। फाइनली बात करें दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको K10C सीरीज का इंजन मिल जाता है। 998 cc का इंजन है, 3 सिलेंडर जो कि 66 bhp निकालेगा, वहीं 89 nm का टॉर्क जनरेट करेगा। तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सेम इंजन मिल जाता है, लेकिन ऑल्टो K10 के अंदर 24.39 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है, वहीं एस्प्रेसो के अंदर 24.76 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो एस्प्रेसो में आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाएगी, ज़्यादा माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर बात करूँ दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, तो भाई दोनों गाड़ियों का अपना अपना एक USP है। अगर आपको एक ऊँचे डायमेंशन वाली बड़ी कार, एक SUV लुक वाली कार देखनी है तो डेफिनेटली आप एस्प्रेसो को कंसिडर कर सकते हो। वहीं आपको एक स्लिक लुक चाहिए ऑल्टो K10 का, अगर आपको एक ब्रांड नेम चाहिए तो आप ऑल्टो K10 को कंसिडर कर सकते हैं। दोनों गाड़ियों की अपनी अलग ही मार्केट है, दोनों गाड़ियों का अपना अलग ही अपना एक फ़ैन बेस है, तो दोनों गाड़ियाँ बेटर है। आपको 18,000 रुपये महंगी मिलेगी एस्प्रेसो का VXI वेरिएंट, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा डायमेंशन मिल जाता है, 1 इंच बड़ा टायर मिल जाता है और जो लुक है वो आपको यहाँ पे SUV का सा देखने को मिल जाता है। बात करूँ रेट की तो ऑल्टो K10 के VXI वेरिएंट का ऑनरोड प्राइस है 5,56,000 रुपये, वहीं एस्प्रेसो के VXI वेरिएंट का प्राइस है 5,74,000 रुपये। 18,000 रुपये महंगी है इसका VXI वेरिएंट। तो डेफिनेटली दोनों गाड़ियाँ बढ़िया है, लेकिन डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर, आपके चॉइस के ऊपर। तो मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।